देखिए, निश्चित तौर से भारत हम सब का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडिया नाम से घबरा गई है, डर गई है, इसीलिए वो बार बार भारत भारत करती है। भारत भी हमारा है और संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भी है और भारत भी है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि बीजेपी सिर्फ नाम बदल के मुतमईन हो जाती है, सड़कों का नाम बदलो, शहरों का नाम बदलो, चांद पे अपनी मर्जी का नाम रख दो और अब इंडिया के नाम को मिटा दो, यही उनकी राजनीति है। सर, G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्रपति का निमंत्रण भारत के राष्ट्रपति के नाम पर भेजा गया है और ये सवाल भी किया गया था, तो उस पर जवाब आया है राजीव चंद्रशेखर का। वो कहते हैं कि उन्हें हर चीज़ से समस्या है और मुझे इस पर कुछ कहना भी नहीं है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारतवासी हूँ, मेरे देश का नाम भारत था और हमेशा भारत ही रहेगा। अगर कांग्रेस को इससे दिक्कत है तो उन्हें इसका इलाज खुद ढूंढना चाहिए। देखिए, देश को इकट्ठा रखने के लिए भारत भी जरूरी है और इंडिया भी जरूरी है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि साउथ और नॉर्थ में कितना फर्क है। नॉर्थ साउथ को डोमिनेट नहीं कर सकता, साउथ नॉर्थ को डोमिनेट नहीं कर सकता। हम सब भारतवासी हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश और राजीव जी का जो बयान है कि हमें पार्लियामेंट के सेशन का इंतज़ार करना चाहिए, मुझे ताज्जुब होता है। बीजेपी के नेता इंतज़ार कर सकते हैं, देश इंतज़ार नहीं कर सकता। सेशन में क्या होगा ये पता चलना चाहिए, लोकतंत्र है, देश के अंदर तानाशाही नहीं है कि प्रधानमंत्री 145 करोड़ लोगों की तकदीर का फैसला 5 दिन के अंदर कर देंगे। देश को पता चलना चाहिए कि स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है, इसमें क्या बिल्स पास होंगे, क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि विंटर सेशन से पहले आपने ये स्पेशल सेशन 5 दिन का बुलाया। वे इंडिया का नाम बदल रहे हैं, भारत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम पहले ही कह चुके हैं, अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं, हिंदी में हम भारत कहते हैं, दुनिया लेकिन हमें इंडिया के नाम से जानती है, वो नाम बदल देंगे, वे इतिहास बदल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, पूरी दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है, इसीलिए संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। और अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा शोर मचाएगी, मुझे डर है कि साउथ इंडिया के अंदर इसका रिएक्शन ना होने लगे। भारतीय जनता पार्टी को देश को इकट्ठा रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि देश के टुकड़े करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस तरीके की बातें करते हैं जिससे मुझे खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं प्रांतों के अंदर दीवारें खड़ी ना हो जाएं। अभी आप हिंदू मुसलमान के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, अगर साउथ और नॉर्थ के अंदर इस तरीके का खतरा पैदा हो गया तो ये देश के लिए